आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा वातम। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कुछ ही देर में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अहम मुलाकात होने वाली है। उरी हमले के बाद जवाबी रणनीति को लेकर यह मुलाकात होने वाली है। मीटिंग में सरहद पर सेना की पोजीशन और उसकी तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद ये मीटिंग होगी रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के बीच, और इस मीटिंग को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इस मीटिंग पर जो स्ट्रैटेजी होगी आने वाले वक्त में, जो रणनीति होगी, उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। जवाबी रणनीति पर इस मीटिंग को किया जा रहा है। गृह मंत्रालय में मनोहर पर्रिकर और राजनाथ सिंह मिलेंगे। और अब खबर ये आ रही है कि अब ये मीटिंग रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के बीच शुरू हो चुकी है। गृह मंत्रालय में ये मीटिंग इस वक्त जारी है। उरी हमले के बाद जवाबी रणनीति पर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। तो गृह मंत्रालय में मिलेंगे पर्रिकर और राजनाथ सिंह, और ये मीटिंग अब शुरू हो चुकी है। उरी में सेना पर आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान में हलचल बढ़ चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी समझौते की समीक्षा शुरू कर दी है। भारत आज फ्रांस के साथ राफेल विमानों की खरीद का बड़ा रक्षा सौदा भी करने वाला है। तो डरे हुए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में F-16 विमान पेट्रोलिंग में उतार दिए हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। उधर मुंबई में कल 5 संदिग्धों के दिखने की खबर सामने आई थी, उनकी तलाश भी जोरों पर की जा रही है। 5 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से डर गया है पाकिस्तान भारत से, और वहां पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे यह साफ तौर पर दिख रहा है कि तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। और इधर भारत में भी जब संदिग्ध देखे गए तो उसके बाद से उनके स्केच जारी किए गए, उनके सघन तलाशी अभियान किया जा रहा है। और जिन बच्चों ने इन संदिग्धों को देखा था, वो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उसे भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। तो उरी के जवाब में मीटिंग शुरू हो चुकी है रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के बीच, और आज राफेल डील भी होनी है। और आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कल उरण में 5 संदिग्ध दिखाई दिए थे, बच्चों ने बताया था कि ये संदिग्ध उन्होंने देखे हैं। इस वक्त इन्हीं संदिग्धों को लेकर पुलिस और एनएसजी की मीटिंग चल रही है। मुंबई के करीब उरण में कल ये संदिग्ध देखे गए थे, जिनके लिए तलाशी की जा रही है। जोर शोर से तलाशी अभियान चल रहा है। इस बीच एनएसजी की पुलिस के साथ मीटिंग हुई है। उरण पुलिस स्टेशन में एनएसजी के कमांडिंग अफसर और नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर के साथ ये मीटिंग अब भी जारी है। इन 5 संदिग्धों की तलाश की जा रही है, इनके स्केच भी जारी किए गए हैं। 2 संदिग्धों के स्केच जारी हुए हैं, और इसी के आधार पर पुलिस तमाम कोशिशें कर रही है कि जल्द से जल्द इन संदिग्धों के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके। बच्चों ने इनका हुलिया बताया था, जिसके आधार पर ये स्केच बनाए गए हैं। उरण में ये संदिग्ध देखे गए थे। मुंबई के करीब ये जगह है जहां पर 5 संदिग्ध देखे गए, और बताया गया कि ये आर्मी की यूनिफॉर्म में थे। सौरभ हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जाहिर तौर पर इस मीटिंग में चर्चा की जा रही कि किस तरह से जल्द इन 5 संदिग्धों के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके, लेकिन क्या लीड्स हैं इस वक्त पुलिस के पास, क्या क्लूज हैं इन स्केचेस के अलावा? जी, आपको अब बताना चाहेंगे कि अभी तक मुंबई पुलिस और उरण पुलिस के पास अभी तक तो कोई क्लू नहीं है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। हर एजेंसी की मदद ली जा रही है। आज सुबह एनएसजी की एक टीम पहुंची है और यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। एनएसजी के 2 कमांडो अभी उरण पुलिस स्टेशन के अंदर गए हैं, उनके साथ नई मुंबई के सीपी है, सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, बाकी के एटीएस और नेवी के भी साथ तालमेल जारी है, और सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहा जाएगा। स्केचेस सबको दिए गए हैं, सब में स्केचेस बांट दिए गए हैं, और संदिग्धों की जाँच होगी उनकी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इन सब हलचलों के बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान को कूटनीति के हर मोर्चे पर पटखनी देने के लिए भारत ने कमर कस ली है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया से अलग थलग ही नहीं, अपने ही घर में तड़पता रह जाएगा पाकिस्तान। भारत अब पाक के साथ सिंधु नदी समझौते की समीक्षा कर रहा है, और अगर भारत ने सख्त फैसला कर लिया तो बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर सबक सिखाएगा हिंदुस्तान।
दुश्मन पाकिस्तान अब बूंद बूंद को तरसेगा। दगाबाज पाकिस्तान पर अब और दरिया दिली नहीं। हिंदुस्तान का पानी पी पी कर हिंदुस्तान के खिलाफ ही साजिश करने वाले पाकिस्तान को अब हर मोर्चे पर सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है भारत। भारत ने तय किया है कि अब पाकिस्तान के साथ नहीं दिखाएगा दरिया दिली, जिसका इशारा जल संसाधन मंत्रालय की ओर से भी मिल रहा है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी समझौते की समीक्षा कर रहा है भारत। सूत्रों की माने तो इस सिलसिले में जल संसाधन मंत्रालय कई दौर की मीटिंग भी कर चुका है। उरी हमले से बने हालात के बाद पिछले चार दिनों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक स्थित वॉर रूम गए और वहां पर हालात की समीक्षा की। नवाज शरीफ ने अपने आर्मी चीफ से बात की। कल पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान F-16 को इस्लामाबाद के ऊपर से उड़ाया। अब भारत पाकिस्तान को घेरने के लिए कई और रास्तों की तलाश कर रहा है, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी भी एक है। पाकिस्तान परमाणु बम की गीदड़ भभकी देता है, लेकिन उसे एहसास नहीं कि जंग तो बहुत दूर। भारत के चंद कदम ही उसे तबाही और बर्बादी के ऐसे गर्त में डुबो देंगे कि उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। सिंधु नदी जल समझौते की समीक्षा इसी बात का इशारा है। What are the diplomatic levers we have to make it very costly for Pakistan to persist on this path? For example, scrapping of the Indus Water Treaty has been tossed around. Well, whatever diplomatic levers or leverages or blueprint we have, I'm certainly not going to discuss that in a public forum. And certainly I'm not going to debate that in the media. Our actions speak for themselves, and you are already seeing our actions are delivering results. सिंधु नदी समझौते को लेकर अगर भारत सख्त हुआ तो उसका अंजाम पाकिस्तान अच्छी तरह समझ सकता है। 1960 में की गई सिंधु नदी संधि को आधुनिक विश्व के इतिहास का सबसे उदार जल बंटवारा माना जाता है। इसके तहत पाकिस्तान को 80.52% पानी यानी 167.2 अरब घन मीटर पानी सालाना दिया जाता है। नदी की ऊपरी धारा के बंटवारे में उदारता की ऐसी मिसाल दुनिया में और किसी जल समझौते में नहीं मिलती। सिर्फ सिंधु नदी ही नहीं, पाकिस्तान को हर मोर्चे पर सबक सिखाने और उसके मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर सवाल पहले ही उठ चुके हैं। नेशनल फ्रंट पे हमें पाकिस्तान को पहले आइसोलेशन में लेना है। हम उसको जैसे ही आइसोलेशन में लेंगे और हम ये बताने में सफल होंगे कि पाकिस्तान के द्वारा ही भारत में और पर्टिकुलरली कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी दगाबाजी फितरत से बाज नहीं आ रहा। उसके गृह मंत्री ने भारत पर बलूच नेता बरहम दग बुगती को समर्थन देने का आरोप लगाया, तो उसी दिन नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने उरी हमले की जांच में सहयोग का पासा फेंका। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज सड़क हादसे की एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप सहम जाएंगे। स्कूली बच्चों से भरी बस को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, फिर क्या हुआ देखिए खास रिपोर्ट। महज चार सेकंड में छू कर निकल गई मौत। महज चार सेकंड में 13 बच्चों पर आया बड़ा संकट। महज चार सेकंड में एक ट्रक ने स्कूली बस के पर खच्चे उड़ा दिए। हादसे की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। देखिए, ये एक स्कूली बस है जिसमें 13 बच्चे सवार हैं। इस स्कूली बस का ड्राइवर बेहद लापरवाही से बहुत स्पीड में इस बस को चौराहे से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दाहिने तरफ उससे भी तेज स्पीड में आ रही ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस काफी दूर तक घिसटती चली गई। इस बस में स्कूली बच्चे थे। देखिए हादसे के बाद बच्चे कैसे रोते बिलखते हुए बाहर निकले। गनीमत रही कि इतने बड़े हादसे के बाद भी किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है।
बस में 13 बच्चे सवार थे, सभी बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, मगर 2 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। बच्चों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें चीन के हेनान प्रांत के सुई की हैं। तस्वीरें भले ही चीन की हैं, मगर सबक हम सब के लिए है कि सड़क पर बेहद सतर्क रहें, क्योंकि हादसे बता के नहीं होते। आज तक ब्यूरो।